तेलंगाना का सियासी पारा गर्म है और इसी के साथ गर्म है राजनीतिक पार्टियों का मिजाज भी। केसीआर को सत्ता बचानी है, कांग्रेस को रसूख, बीजेपी को साख और ओवैसी को जमीन। मुकाबला कड़ा है, चुनावी लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जनता के दर से भगवान के दर तक घनघोर चुनावी शोर है। बीआरएस की कार के चार पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। आज अगर आप कोई भी काम करने जाएं तो आपसे कमीशन मांगा जाता है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जब भी इंदिरा जी को या गांधी परिवार को जरूरत था, तेलंगाना ने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने तेलंगाना को हमेशा धोखे दिए। तुम यहाँ वहाँ जाकर पुकारते हो, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मुकाबला कर लो प्यारे, तुम अमेठी तो नहीं जाओगे, तुम वायनाड ही जाओगे। अरे छोड़ो वायनाड अमेठी, हैदराबाद को आओ। आस्था निजी है, लेकिन अगर तिरुपति की साधना से तेलंगाना भी सध जाए तो क्या हर्ज। प्रचार में तकरार सियासी वार है, लेकिन अगर एक तीर से दो निशाने लग जाए तो क्या हर्ज। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है, इसलिए कोई भी तेलंगाना में कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि केसीआर को दोबारा लाने का रास्ता खोल देना। कांग्रेस को वोट यानी केसीआर की सरकार फिर से आने की संभावना। और इसलिए अगर आप केसीआर नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस को भी गलती से वोट मत देना, वरना वो पीछे से घुस जाएंगे। केसीआर सरकार बदलनी है, कांग्रेस को वोट दोगे तो वो केसीआर को नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के 2015 में और 2018 में आपने जिस किसी ने भी कांग्रेस को वोट दिया वो सारे विधायक टीआरएस में चले गए। कांग्रेस और केसीआर के बीच में मैच फिक्सिंग हुआ है। कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो वो केसीआर को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे और केसीआर दिल्ली में राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सत्ता का संग्राम है, लड़ाई आर पार की है, ऐसे में किसी एक्शन से थोड़ी सियासत भी सध जाए तो क्या हर्ज। चाहे बीजेपी हो चाहे बीआरएस हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं, ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने, इनके नेता अमीर बने। सालों से बीआरएस की सरकार चल रही है तेलंगाना में, इनके सारे नेता बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, इनकी जितनी भी नीतियां हैं सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। ये छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वालों, मिडिल क्लास, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों के लिए कुछ नहीं है। हैदराबादी हनक से अगर आदिलाबाद तक की पॉलिटिक्स सध जाए तो क्या हर्ज है। मजलिस की मुखालिफत इसीलिए की जाती है कि मजलिस सिर्फ तकारीर नहीं करती, मजलिस जमीन पर आकर काम भी करती है। और मजलिस से मुखालिफत क्यों की जाती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत इसलिए की जाती है कि मजलिस लीडर बनाती है आपको,
मजलिस आपको खायद बनाती है और यही चीज ना कांग्रेस को पसंद आती है, ना बीजेपी को पसंद आती है, ना कोई दीगर सियासी पार्टी को ये बात समझ में आती है कि मजलिस लीडर बनाने का काम कर रही है। चुनावी जंग में अगर थोड़ा इमोशनल होने से एंटी इनकम्बेंसी का जिन्न भी सद जाए तो क्या हर्ज। हमसे पहले 10 साल कांग्रेस का हुकूमत था, उनके 10 साल के दौर में उन्होंने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च किया सिर्फ 2,000 करोड़ रुपया। हमारे 10 साल के हुकूमत में हमने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च किया 12,000 करोड़ रुपया। अब फर्क आप समझ सकते हैं, किसको मुसलमानों से प्यार है, कौन पार्टी आपको वोट बैंक बना के आपका वोट लूट लिया, ये सारे बात आप समझ सकते हैं। राजस्थान का चुनाव खत्म होते ही पूरा फोकस तेलंगाना पर जा चुका है। पौराणिक काल में कभी तेलंगाना को त्रिलंग देसा यानी शिवलिंग के 3 रूपों की वजह से पहचाना जाता था। इन दिनों हर पार्टी में त्रिमूर्तियों का जोर है। बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार काफी पहले से ही शुरू कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव खत्म होते ही सबका पूरा फोकस तेलंगाना पर आ गया। शुरू में लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी के लंबे समय से चले आ रहे लगातार धुआंधार प्रचार ने मुकाबले में कुछ और कोण भी जोड़े। तेलंगाना को बीजेपी सरकार की बहुत जरूरत है। बीजेपी, बीजेपी, पीजी पेपर, यही विश्वास आज तेलंगाना के भी कोने कोने में दिखाई दे रहा। सुबह की शुरुआत तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान के दर्शन से और रात का अंत हैदराबाद में रोड शो से। कोई कसर न रह जाए चुनावों में। पीएम मोदी की यही कोशिश है, क्योंकि अपनी पार्टी के प्रचार का कमान भी उन्हीं के हाथों में है। कांग्रेस पर निश्चित रूप से कड़ा वार है, लेकिन बीजेपी के प्रचार में केसीआर पर सबसे तगड़ा प्रहार है। ये आपके केसीआर को इतने अंधविश्वासी है, इतने अंधविश्वासी है, किसी ने उनके कान में डाल दिया कि अगर मोदी की परछाई तुम पर पड़ेगी, अगर कहीं पर भी मोदी की परछाई भी तुम पर पड़ेगी तो तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। उस दिन से ये ऐसे अंधविश्वासी व्यक्ति, उस दिन से वो मेरे से 50 फुट दूर रहते हैं। न एयरपोर्ट लेने आते हैं, न मीटिंग में आते हैं। फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? मुख्यमंत्री मन को अवसर मां, बीआरएस की कार के 4 पहिए और 1 स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर एपीजमेंट करते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टिकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई। इन दोनों पार्टियों ने दलितों और बीसी समाज को धोखा दिया। तेलंगाना को एक स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए जिन लोगों के हाथों में आप लोगों ने सत्ता सौंपी, वही आज यहां के शोषण के कारण बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है एक स्वर्णिम
तेलंगाना राज्य के निर्माण के साथ साथ तेलंगाना राज्य के निवासियों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज आपके पास आई है, आपका आह्वान करने के लिए। ये ठीक है कि 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को तेलंगाना से 6.98% वोटों के साथ केवल एक सीट मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 19.65% वोट पाकर 4 लोकसभा सीटें जीती। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार तेलंगाना को अपनी प्रचार लिस्ट में रखा। यही कारण है कि भले आंकड़ों की मौजूदा लिस्ट में बीजेपी कमतर दिख रही हो, लेकिन विरोधी पार्टियां उसे कमतर आंक नहीं रही। इसका अंदाजा सत्तारूढ़ बीआरएस को है। प्रचार का जो समय शेष बचा है उसमें बीआरएस जमकर आक्रामक है। तो नरेंद्र मोदी जी, यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हेन ए आईटी पार्क इज सेट अप एंड द ग्लोबल कंपनीज कम एंड स्टार्ट देयर ऑपरेशंस, दे डोंट रिक्रूट बेस्ड ऑन द रिलीजन, दे डोंट रिक्रूट बेस्ड ऑन द कास्ट और रीजन, they recruit based on the competency. It is just that large number of minorities exist in the old city. You want to convert that into a religious issue and promote the hatredness, which is very uncalled for and then unbecoming of a prime minister. Telangana ne hamesha jab bhi Indira ji ko ya Gandhi parivar ko zarurat tha, Telangana ne unka saath diya, lekin unhone Telangana ko hamesha dhoke diye, dange diye aur dard diye। कांग्रेस के लिए तेलंगाना में यही समय करो या मरो का है, लिहाजा प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस नेता भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 2024 की राजनीति को भी थोड़ा थोड़ा साधते हुए राहुल गांधी के कड़े प्रहार सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर। के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। प्रियंका वाड्रा के कड़े आरोपों के घेरे में केसीआर का शासन। 8वां 9वां 10 साल बीत गए और हर साल आपने यही देखा कि जो सपने आपने देखे वो टूटते चले गए। जब जब आपने संकटों का सामना किया तो सरकार आपकी मदद के लिए आगे नहीं आई। मैंने जनता से पूछा, सरकार से आपकी उम्मीद क्या थी, बीआरएस की सरकार से आपकी आशा क्या है, और जनता ने हाथ उठा के ऐसे बोला कि हमारी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ अपने लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, केसीआर जी और उनके परिवार के लिए चल रही है। ओवैसी को पता है कि उनकी राजनीति हैदराबाद के चार मीनारों से चमकती है। तेलंगाना में जो भी जीतेगा वो उनकी सियासी पतंग को और ऊपर ले जाएगा, लिहाजा कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच वो अपनी जगह बनाने की पुरजोर कोशिश में डटे। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों, उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों, क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के दो प्यार, एक इटली और एक मोदी। अब राहुल ये बताओ, अमेठी तुम्हारी सहेली क्यों नहीं है, और उसका जिम्मेदार कांग्रेस की हथेली है या इसमें कोई पहेली है, बताइए आप। आप कैसे अमेठी हार गए, क्या राज था उसमें? अमेठी आपकी सहेली नहीं बनी, स्मृति ईरानी को सहेली बना दिया। चुनावी मुद्दों में भ्रष्टाचार है, रोजगार है, परिवारवाद है, विकास है, सांप्रदायिक आरोप है। चुनाव आयोग में एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों के अंबार है, लेकिन चुनाव अगर जंग है तो प्रचार की आखिरी बाजी से पहले हर वार को जायज मानकर चुनावी दल हर मुद्दे को किस्मत के सिक्के की तरह उछाल रहे। तेलंगाना के ताज की लड़ाई अब तक की सबसे घमासान राज्य की अब तक की लड़ाई मानी जा रही है। कुछ समय पहले तक जो लड़ाई पहले सीधी सीधी केसीआर के पक्ष में जाती दिख रही थी, बताई जा रही थी, उसमें कई पेच है। जिस तरह बीजेपी कांग्रेस ने मुद्दों को लेकर बीआरएस पर हमला बोला, उसे तेलंगाना के चुनाव में ट्विस्ट आ गया। कौन बनेगा किंग के अलावा दूसरा सवाल जो उठने लगा वो है, कौन बनेगा किंग मेकर? बड़े बड़े कारखाने और लाखों लोगों को नौकरी देने वाली
पब्लिक सेक्टर अगर इंदिरा गांधी जी दे सकती है तो केसीआर आपको क्या दिया? क्योंकि शासन की योजना का लाभ यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के अन्नदाता किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो अपना खुद का स्टेट और खुद का सीट, पहले अमेठी जीतो, पहले उत्तर प्रदेश जीतो जहाँ से आपकी फैमिली आती है, बाद में बाहर आके कोशिश कर लेना इधर उधर। चुनाव प्रचार में बीआरएस ने सरकारी योजनाओं में फायदे की बात से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, तो बीजेपी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीआरएस को घेरा। बीआरएस ने समाज कल्याण योजनाओं पर प्रचार किया तो बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण और कांग्रेस ने जाति गणना के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीआरएस ने तेलंगाना से कांग्रेस के विश्वासघात करने को मुद्दा बनाया तो कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केसीआर सरकार को घेरा और बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उठाया। बीआरएस ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाया तो बीजेपी ने केसीआर सरकार को परिवारवाद और तुष्टिकरण पर घेरा और कांग्रेस अल्पसंख्यकों की और भलाई का मुद्दा ले आई। चुनाव प्रचार थमने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है। बीजेपी की पूरी टीम जिसमें योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम समय को पार्टी के पक्ष में मोड़ने में लगे। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस की रैली को सोनिया गांधी संबोधित कर चुकी है। राहुल, प्रियंका, खड़गे सहित कई बड़े नेता पहले से हैदराबाद में डेरा डाले। चुनाव का अंतिम चरण जनता का मतदान है, वो जिसे चुने वो तेलंगाना का भाग्य विधाता, जो पीछे रह जाए उसके लिए अगले चुनावों तक मंथन का समय ही समय। फिलहाल एक ही सवाल, किसके सर पर सजेगा तेलंगाना का ताज।